हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। बहुत सारे कॉलेजेस का अभी लिस्ट लग चुका है, एडमिशन लिस्ट लग चुका है। सो बीट ओल्ड आईआईएम्स, न्यू आईआईएम्स, बीबी आईआईएम्स, है ना, सबका नहीं, बट देन फिर केजे फोर, ग्रेट लेक्स का किसी का आ गया है, किसी का एफएमएस का प्रोसेस चल रहा है ना। तो इवेंचुअली ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू गेट इन टू दिस डिस्कशन और इन दिस कंफ्यूजन कि कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कैसा है, मोस्ट ऑफ अस, हमारा ये लास्ट डिग्री रहने वाला है ना। इसके आगे भी कोई लोग पढ़ेंगे, बट देन मेजोरिटी लोगों का ये लास्ट डिग्री रहेगा। सो डूइंग इट फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज पॉसिबल इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है ना। अभी कौन सा कॉलेज बेस्ट है, क्योंकि आपको लेट अस से 90% कैट एग्जाम, तो आपके एक सर्टन सेट ऑफ कॉलेजेस कन्वर्ट हुए होंगे कि लेट अस से आपका फोर कन्वर्ट हुआ होगा, आपका LB लाल बहादुर शास्त्री कन्वर्ट हुआ होगा, KJ सोमया कन्वर्ट हुआ होगा, ग्रेट लेक्स कन्वर्ट हुआ होगा, है ना, या फिर जिम गोवा कन्वर्ट हुआ होगा, है ना, या फिर IIM के रिजल्ट्स लग गए, तो अभी मैं IIM अहमदाबाद जाऊं या IIM कैलकटा जाऊं, है ना, ऐसा किसी को कंफ्यूजन होगा। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ कंपैरिजन चार्ट, जहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए, किस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। इट विल हेल्प यू टेक द डिसीजन, ठीक है। ऑल ऑफ दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ रिसर्च, है ना। ये क्या क्या पैरामीटर्स पे हमें रिसर्च करना चाहिए, ये हम सब देखेंगे, ठीक है। सो हाउ टू डिसाइड योर MBA कॉलेज, सबसे पहले तो कंपेरिजन चार्ट बना लो। लेट अस से आप कॉलेज के नाम लिख दोगे ABC, उनका फीस लिख दोगे 15 लाख, 20 लाख, 18 लाख, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके ऊपर आपने गौर करना चाहिए। मेरे हिसाब से दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, बाकी के सारे भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एवरेज सैलरी आप उनके वेबसाइट पे मिलेगा, है ना, आपको उनके वेबसाइट पे प्लेसमेंट रिपोर्ट मिलेगा, वो प्लेसमेंट रिपोर्ट में आपको एवरेज सैलरी मिल जाएगा, है ना। किसी कॉलेज का रहेगा 10 लाख, किसी का रहेगा 12 लाख, किसी का रहेगा 15 लाख, है ना। तो जो बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा विथ मीडियम सैलरी, है ना, क्योंकि एवरेज सैलरी एंड मीडियम सैलरी में डिफरेंस क्या हो जाता है, कोई कोई स्टूडेंट्स को फॉरेन प्लेसमेंट्स लग जाते हैं, फॉरेन प्लेसमेंट्स होते हैं 50-60 लाख, उसके वजह से एवरेज बहुत निकल जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी का 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 50 लाख, ऐसा प्लेसमेंट हो गया, तो एवरेज तो तुम्हारा कुछ, है ना, अगर 4 स्टूडेंट्स रहे या 5 स्टूडेंट्स रहे, तो तुम्हारा 4 लोगों को 5 लाख लगा और ये 50 लाख का लगा, तो टोटल एवरेज तो 14 लाख रुपए हो गए, है ना। तो ऐसी चीजें होती है जिसके वजह से हमको कंफ्यूजन होता है एवरेज सैलरी से। मीडियम सैलरी ये सबसे अच्छी सैलरी है, क्योंकि मतलब ये सबसे अच्छा कंपैरिजन पैरामीटर है, क्योंकि लेट अस से मीडियम सैलरी है हमारी 9 लाख की, सो वी कैन से दैट 50% जनता इससे ऊपर, 50% जनता इससे नीचे, है ना, बिकॉज दिस इज वेयर द मीडियम लाइज, ये सबसे बीच वाली सैलरी, एंड ये कंपेरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी या लोएस्ट सैलरी भी एक अच्छा पैरामीटर है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी, है ना। एक और आप अगर ये डालोगे तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट, कि यार मेरे को हाईएस्ट तो ठीक है, बट लोएस्ट भी पता रहनी चाहिए, क्योंकि लोएस्ट मतलब अभी ये 9 लाख का है, कम से कम 5 लाख का तो जॉब लगना चाहिए ना, है ना। लोएस्ट सैलरी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द लेवल जिसके नीचे कॉलेज कंपनीज को इन्वाइट नहीं करती, है ना। फॉर एग्जाम्पल सिडनम कॉलेज 6 लाख के नीचे कोई भी कंपनी अगर ऑफर करती है तो उसको इन्वाइट नहीं करती, है ना। सो लोएस्ट सैलरी भी पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन खराब रहा, अगर अपना वो 2 महीने जो प्लेसमेंट सीजन है उसमें अपने को कुछ शनि का ग्रहण लग गया, तो लोएस्ट सैलरी पे जाना पड़ेगा, तो लोएस्ट का लोएस्ट कितना मिलेगा इतना अपने को पता रहना चाहिए, ठीक है। बैच साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसका बैच साइज है लेटर से 1000 का, इसका है 500 का, इसका है 200 का। 200 लोगों में प्लेस होना इजी है ना, 500 और 1000 लोगों में प्लेस होना डिफिकल्ट है, ठीक है ना। ये चीज एक ध्यान में रखना है अपने को, बैच साइज, ठीक है। लोकेशन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंपनी विजिटिंग दैट कॉलेज, ठीक है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी है, अभी एक पर्टिकुलर कॉलेज है, लेट अस से IIM शिलोंग, वो तो शिलोंग में है, वहां पे भी तो कंपनी जा रही है और बेस्ट प्लेसमेंट्स दे रही है ना। ऐसा इशू नहीं है कि यार IIM शिलोंग का KJ सोमया से कम प्लेसमेंट है, नहीं, KJ सोमया मुंबई में है बट वो IIM शिलोंग के तो पीछे ही है ना, ये चीज समझो, है ना। बट लोकेशन अपने को इस पैरामीटर के लिए देखना है कि लेट अस से दो कॉलेज के बीच में कंफ्यूजन है,
तो कौन सा आपके घर के नजदीक है, या फिर कहाँ पे ज्यादा फूड डिफरेंसेस नहीं होगी, ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस नहीं होगी, ये ध्यान में रखें, क्योंकि वहां पे 2 साल जाओगे तो मेहनत करोगे, है ना। लेट अस से आप रहते हो आगरा में, आपको एक कॉलेज मिल रहा है दिल्ली में, एक कॉलेज मिल रहा है चेन्नई में। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिल्ली में मिल रहा है लाल बहादुर शास्त्री, चेन्नई में मिल रहा है ग्रेट लेक्स। तो बेटर यू गो टू दिल्ली, क्योंकि वहां पे आपके कॉन्टेक्ट बेटर रहेंगे, आपकी इंटर्नशिप्स लगने की चांसेस ज्यादा बेटर रहेगी, नो लैंग्वेज बैरियर, नो फूड बैरियर। वही अगर आप चेन्नई जाते हो, ये बैरियर्स ओवरकम करके आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये लोकेशन भी एक अच्छा पैरामीटर है। नेक्स्ट, कट ऑफ परसेंटेज, ये जानना बहुत जरूरी है। सपोज करो ये कॉलेज का कट ऑफ है 85%, ये कॉलेज का कट ऑफ है 88%, और ये कॉलेज का कट ऑफ है 80%। कट ऑफ से आपको एक आइडिया ये आएगा कि आपकी पीयर लर्निंग बेटर होगी कि खराब होगी, ये चीज समझो। अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ 80% है और आपको 90% मार्क्स मिले हैं, तो वहां पे जो आपके पीयर्स रहेंगे वो आपसे बेवकूफ रहेंगे, है ना, उनको आपसे कम नॉलेज रहेगी, वो आपसे सीख के चले जाएंगे, बट आप उनसे ज्यादा नहीं सीख पाओगे, है ना। जो पीयर टू पीयर लर्निंग तभी होगी जब आप अपने जैसे लोगों से या अपने से थोड़े से बेटर लोगों के साथ इंटरेक्शन करोगे, है ना। तो कट ऑफ ये पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टॉक टू सीनियर्स इन कॉलेज, है ना। जो सीनियर्स रहेंगे, कहाँ से ढूंढोगे, लिंक्डइन से ढूंढोगे। सीनियर्स आपको क्लियरली बताएंगे कि कैसा प्लेसमेंट सीनारियो है ना, कैसा इंटर्नशिप सीनारियो है, आपको कॉलेज का कितना सपोर्ट है, इज इट अ स्टूडेंट ड्रिवन कॉलेज और फैकल्टी ड्रिवन कॉलेज, है ना। फिर प्लेसमेंट्स होते हैं क्या सबके, है ना। फिर स्पेशलाइजेशन में प्लेसमेंट्स का डेटा भी आपको सीनियर्स ही दे पाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको जाना है JBIMS, है ना, बट वहां पे जाके आपको करना है HR, ठीक है। तो JBIMS का फाइनेंस का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, मार्केटिंग का भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बट अगर वहां पे जाके अगर आप HR करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपका प्लेसमेंट का डेटा डगमगा जाएगा, है ना। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि यार आपको सीनियर से बात करोगे तो सीनियर से क्या क्या चीजें समझनी है। अपने को कॉलेज से इंटर्नशिप मिल रही है क्या, कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है क्या, जितना एवरेज प्लेसमेंट बोला है वेबसाइट पे उतना ही है क्या, है ना। आपके स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक क्या प्लेसमेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां से पता चलेगी। देन चेक द प्रोफाइल ऑफ योर एलुमनाई, है ना। जो 5-6 साल पुराने एलुमनाई है वो अभी कॉर्पोरेट में कहाँ पे है, कहाँ से पता चलेगा, लिंक्डइन से ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, 4 कॉलेज के एलुमनाई अगर आप देखोगे तो 4 कॉलेज के एलुमनाई वहां पे, फिर उन्होंने कब 4 कॉलेज से MBA किया था एंड फिर अभी वो किस पोजिशन पे है, ऐसा एक या दो पे नहीं देखना, ऐसे 8-10 लोगों का आपको डेटा देखना, ठीक है। एंड देन द फाइंड आउट द डेटा फॉर योर स्पेशलाइजेशन, ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है ना, ये फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन वाइज डेटा कॉलेज के वेबसाइट पे नहीं रहे, है ना। ये तो उस पर्टिकुलर पर्सन से अगर आप बात करोगे, जो सीनियर से बात करोगे, वो ही आपको बेटर बता पाए। सीनियर से भी बात करोगे ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर सीनियर से नहीं, कम से कम 3 या 4 सीनियर से बात करो, ओनली देन यू विल गेट एन अनबायस्ड डेटा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मेरे साथ मेरे कॉलेज ने खराब कर दिया तो मैं कॉलेज को तो गाली दूँ, या फिर किसी, मैं एक कॉलेज में हूँ जहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख का है, मीडियम प्लेसमेंट 10 लाख का है, और मेरे को प्लेसमेंट लग गया है 15 लाख का, मैं तो बहुत ज्यादा बढ़ाई करूंगा मेरे कॉलेज की, है ना। अनबायस्ड आपको व्यूज चाहिए तो कम से कम 3-4 सीनियर से बात करो। एंड स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपको किस स्पेशलाइजेशन में करना है ना। इवन इफ नॉट क्लियर, थोड़ा बहुत आइडिया तो रहना चाहिए, ठीक है ना, कि मेरे को HR करना है कि ऑपरेशंस करना है ना। क्योंकि फाइनेंस मार्केटिंग का डेटा आपको अच्छे से मिल जाएगा, HR ऑपरेशन सिस्टम, ये स्पेशलाइजेशन का डेटा तुमको मिलना थोड़ा सा दिक्कत वाला जाएगा, है ना। तो एक छोटा थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि आपको किस स्पेशलाइजेशन में करना है, एंड कनेक्ट टू दोज सीनियर्स अकॉर्डिंग, ठीक है। If you want to join us for CAT coaching or any MBA entrance exam coaching, we provide everything that is needed to help you join your dream preschool. So be it the mobile app, the books, national level test series, VET PF training, one-on-one mock analysis, exam-specific workshops, doubt-solving sessions, daily quiz, weekly GK videos, and all important updates. Whatever you want, you will be provided, and that too in the lowest fee in the industry.
इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद अस यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन एनी वन ऑफ दीज थ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विजिट अवर वेबसाइट tarkashastra.co.in और सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन एनी वन ऑफ दीज टू नंबर्स. थैंक यू सो मच. जय हिंद.